नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में अपनी वीडियो नंबर 2 जो है मेरा नेशनल इनकम यूनिट नंबर 1 वीडियो नंबर 2 उसमें मैंने आपको बता दिया था कि नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। इट मींस लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से किस तरीके से हम वैल्यू एडिशन फाइंड करते हैं, उससे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए थे आपको। और आज हम करने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है, वीडियो को पॉज मत करना, वीडियो कट मत करना, कट कर करके मत देखना, नहीं तो आपको वो समझ नहीं आएगा। यदि आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो उसको नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए वीडियो पॉज करोगे, नोट इजिली करके दोबारा आप देख सकते हो। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको कैसे करते हैं पूरा सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, एक एक चीज आपको बारीकी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है, ये वैसे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑफ वैल्यू एडेड मेथड के हैं। इसी तरीके से मैं आपको इनकम मेथड के क्वेश्चंस कराऊंगा, इनकम मेथड कराऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, आप देखते रहना। और आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाऊंगा। यदि आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाइड होते हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए कैसे हम करते हैं सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन हम करने के लिए जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना है कि हमें जीवीए निकालना है। तो जीवीए एट एमपी इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी का मतलब यहां इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। और ये हम निकालने के लिए ये तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालना ही है, उसकी वैल्यू दे नहीं रखी है। तो इसके लिए हमें जीवीए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो जीवीए की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग से वर्किंग नोट यूज कर लीजिए, वर्किंग नोट आप बना के रखोगे तो क्वेश्चन समझना भी इजी हो जाएगा और इसे करने में आपकी गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो यहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यूज करना है। स्टेप नंबर 1 आपका क्या होता था, जीवीए का होता था। तो स्टेप नंबर 1 में जीवीए एट एमपी निकालना है। अब किसकी हेल्प से निकालना है, ये निकालना है एनवीए एट एफसी की हेल्प से। तो यहां पर एनवीए एट एफसी क्वेश्चन में दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, नेट से ग्रोस पे आने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन। वीए सेम है तो एफसी और एमपी का डिफरेंस है, तो एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें क्या करना है, अपने टैक्स प्लस कर देने हैं। और टैक्स प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, एनआईटी इसमें जोड़ देते हैं। अब एनआईटी क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था, एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर दो। यहां पर जीवीए एनवीए दे रखा है 100, डेप दे रखा है 10, प्लस एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला मैं लगा दिया। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या, ये देखो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। तो यहां पर जीएसटी दे रखा है 20 माइनस सब्सिडी दे रखा 5, तो यहां से आपका जो आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा 125 करके देख लेना इसे। तो ये 125 आपका क्या आया, जीवीए एमपी। तो एमपी आया जीवीए एमपी। अब इस फर्स्ट स्टेप को यहां पर यूज कर लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर
125 पुट कर दिया जैसा था वैसा ही। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है माइनस आईसी आपका दे रखा है 1575। यहां पर ये 75 दे रखा है, अब क्या करोगे आप 125 माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 75 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये आपका फाइनली वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू रूपी 200 करोड़, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार से नोट कर लीजिए, और इसी तरीके से हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, एक बार देख लीजिए फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हमसे इंटरमीडिएट कॉस्ट, जैसे कि वहां पर क्या पूछा हमसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा, यहां पर पूछा है इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही पूछ सकता है, या फिर ऐसे आपसे सेल पूछ सकता है। तो इसके लिए आप फिर एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, और वर्किंग नोट में आपको क्या निकालना है, इस वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले जीवीए और एमपी निकाल देना है। इसके लिए यहां पर देखो एनवीए दे रखा है, एनवीए एफसी वही, यहां पर सिंपली डेप प्लस कर देंगे, क्योंकि एन से नेट से डोमेस्टिक पे, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो डेप प्लस कर देंगे, और एफसी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो एनआईटी प्लस कर देंगे। अब एनआईटी हम प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, सिंपली ये दे रखा है यहां पर 80 प्लस डेप दे रखा है 20 प्लस इसकी वैल्यू आप निकाल लो, जीएसटी माइनस सब्सिडी, तो 15 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका सिंपली यहां पर कितना आएगा 110, मतलब 110 आपका क्या आया, जीवीए आया। अब जीवीए को हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज कर लेंगे। आपको पता है ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आपको पता है आईसी की वैल्यू निकालनी है, आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 110 यूज कर लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पर 200 दे रखा है, माइनस कर देंगे आईसी, आईसी की वैल्यू आपको निकालनी है, इधर जाके आईसी प्लस हो जाएगा 200 माइनस, इधर जाके 110 माइनस हो जाएगा, तो आईसी इक्वल टू रूपी 90 करोड़, ये आपका फाइनल आंसर मिल चुका है। तो ये आपका आंसर मिल चुका है। इसी तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों के अलावा और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने बैठते हो और आपको कोई डाउट आता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सर्च करके मेरा चैनल का नाम है एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स, आप गूगल पे जाएं एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स सर्च करें, और वहां पर मेरी कोई भी वीडियो खोल करके आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या डाउट है। मैं आपके डाउट पे एक नई वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इससे आप भी सेटिस्फाइड रहोगे और मेरी जो सर्विसेस हैं आप यूज कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि हमारा देश इस पेंडेमिक दौर में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में पढ़ता रहे, डिमोटिवेट ना हो। आप अपने घरों में रहें, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। इस क्रिटिकल सिचुएशन के दौर में मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूं कि शिक्षा कभी रुक नहीं सकती यदि हम में पढ़ने का जुनून है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बार करना, और यदि मेरी वीडियो से आप सेटिस्फाइड हैं तो मेरे चैनल पे एक बार फिर, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके सब्सक्राइब, ये आपके व्यूज और ये आपके कमेंट्स मुझे आगे इसी प्रकार टीच करने में आप एप्रिशिएट करोगे। आप सभी का धन्यवाद।